मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पार्षद की चप्पलों से पिटाई का हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। महिला ने फ्लैट की चाबी नहीं मिलने पर पार्षद कल्लू दीक्षित की चप्पलों से पिटाई कर दी। महिला ने सरकारी आवास योजना के तहत फ्लैट के लिए लकी ड्रॉ भरा था, लेकिन फ्लैट की चाबी नहीं मिलने से महिला काफी परेशान थी। जानकारी के अनुसार ग्वालियर के बाल भवन में राजीव गांधी आवास योजना के तहत लकी ड्रॉ निकाले जाने थे। लकी ड्रॉ को लेकर वहां मौजूद एक महिला ने नगर निगम के ऊपर योजना में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। नगर निगम के अधिकारियों पर रिश्वत लेकर लकी ड्रॉ में नंबर लगाने का आरोप लगाया। इस अनियमितता को लेकर महिला ने वहां हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि हाथापाई की नौबत आ गई। महिला ने नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष कल्लू दीक्षित की चप्पलों से पिटाई कर दी। इतने में पूरी सभा में हंगामा मच गया। नगर निगम के कर्मचारी कल्लू दीक्षित को बचाने की कोशिश करते रहे। किसी तरह महिला को रोका गया। महिला को हंगामा करता हुआ देखकर बाकी महिलाएं भी हंगामा करने लगी। हंगामे को देखते हुए सरकारी आवास योजना को लेकर आयोजित किए गए लकी ड्रॉ के कार्यक्रम को टाल दिया गया। वहीं पार्षद की चप्पलों से हुई इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। न्यूज़ डेस्क।